वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू एबट फूडीज। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी है चॉकलेट सॉस। तो चॉकलेट सॉस की ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं बताती हूँ ये क्या क्या है। ये 1 टेबलस्पून हमारे पास मैदा है, ये 1/2 कप हमारे पास कोको पाउडर है, ये 1/2 कप हमारे पास शुगर है, 2 कप्स हमारे पास क्रीम मिल्क है। आप घर का भी दूध यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कप जो हमारा दूध है वो इसमें ऐड करेंगे, 1 और ये 2 ये ऐड किया। साथ ही आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है और ये अपना कोको पाउडर और ये 1 टेबल स्पून मैदा, ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लिया। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। जब मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको रखती हूँ चूल्हे पे, फिर इसको पकाना है। ये चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया मीडियम फ्लेम पे, आपने फिर भी इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये आप देख सकते हैं कितनी थिक हो गई है हमारी चॉकलेट। तो बस ये रेडी होने वाली ही है। ये जो बबल्स छोड़ने लग जाए मीठी कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हो, तो समझे कि चीज़ रेडी है। सकते हैं मेरा चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत इजी है, सिंपल है। अब बाहर से चॉकलेट्स लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में बनाएं इजी सिंपल। तो ये आप बिस्किट्स पे, शेक में, किसी भी चीज़ में, केक में, किसी भी चीज़ में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।